इलाहाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश भंडारी यादव गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में वांछित था भंडारी यादव। इलाहाबाद के जूसी इलाके से गिरफ्तारी हुई है भंडारी यादव की। इलाहाबाद से बड़ी खबर, भंडारी यादव गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको, कई मामलों में वांछित चल रहा था भंडारी यादव, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद के जूसी इलाके से गिरफ्तारी हुई है। रविंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गया और जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या जानकारी मिली, क्या कुछ इसके पास से हासिल हुआ है? अभियान देखिए, जिस तरीके से ये अभी फरार चल रहा था, काफी दिनों से फरार चल रहा था और इलाहाबाद के कई थानों में इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, दर्ज था। बाकी और जिलों में भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। इसके काफी दिनों से एसटीएफ से तलाश कर रही थी और आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है और इसको जूसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अपना नाम बदलकर जूसी इलाके में रह रहा था, तो एक कहा जाए 50,000 का इनामिया घोषित था और एक एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। इसके अब पुलिस ने, एसटीएफ ने इसको अपने कस्टडी में लेके और इसकी जानकारी कर रही है और इससे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, इनामी बदमाश है। किन किन जिलों की पुलिस को तलाश थी इसकी? आप जिस तरीके से इसका आतंक पूरे इलाहाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी फैला हुआ था और इसकी आसपास जिलों में काफी संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज था और कभी से ये फरार चल रहा था। हालांकि एसटीएफ इसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी और एसटीएफ ने आज जो है सफलता हासिल की और भंडारी यादव को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, भंडारी यादव गिरफ्तार किया गया है। केवल अकेला ऐसे ही गिरफ्तार किया गया या किसी और साथी भी इसका कोई गिरफ्त में आया है या फिर कुछ लोग भाग निकले हैं? क्या स्थिति थी जब इसे गिरफ्तार किया गया? रविंद्र, प्रधान जिस तरीके से अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों को अभी आधे ज्यादा अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं है कि भंडारी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जब हम लोगों ने खबर की पुष्टि करनी चाहिए तो कई अधिकारियों ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। हालांकि एसटीएफ सीओ ने बाद में जो है हामी भरी है, उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ, भंडारी यादव को गिरफ्तार किया गया है। और जूसी इलाके में जब ये जो अपने घर में था, एक नाम बदल के घर में रह रहा था, तो सभी वहां पर एसटीएफ ने दबिश दी है और इसको जो है धर दबोचा है। जी, शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।